पंडित जी, अब मेरा दूसरा सवाल है, कर्ज से मुक्ति पाना हर कोई आज चाहता है और हर कोई किसी ना किसी तरह कर्ज के तले दबा हुआ है, तो ऐसे में परिवार में सुख शांति रहे, खुशहाली रहे, हनुमान मंदिर जाकर किस तरह से संकट मोचक की पूजा करें? देखो पूजा, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना गया है, लेकिन कर्ज उतारने के लिए मंगल से अच्छा ग्रह कोई नहीं माना जाता है। मंगल जिसकी कुंडली में बलवान है, मंगल जिसकी कुंडली में अच्छा है, वो आदमी ऐश्वर्यवान न हो ये तो हो सकता है, लेकिन वो कर्जदार नहीं होगा इसकी पूरी गारंटी है जी। मतलब ऐश्वर्यवान न हो ये हो सकता है लेकिन कर्जदार नहीं होगा अगर मंगल अच्छा है। इसीलिए जो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है, ओम मंगलो भूम पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कांतं प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। ये ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है और हनुमान जी मंगल ग्रह को नियंत्रित करते हैं। हनुमान उपासना से मंगल ग्रह तत्काल शांत हो जाता है और उसके दूषित प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों को चाहिए, शुगर के रोगियों को चाहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान जी की उपासना जरूर करें, ओम हंग हनुमताये नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। अगर देखो, जब मंगल खराब होगा तो व्यक्ति हर समय डरा रहेगा, क्रोधो पराक्रमो भौमः, पराक्रम और क्रोध दोनों का कारक मंगल है और साहस का भी कारक मंगल है। साहस की कमी होगी तो आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। तो भैया हनुमान मंदिर में जाइए और पूरब मुंह करके बैठिए, आसन बिछा करके, लाल रंग का ऊनी आसन बिछा करके वहाँ बैठिए और हनुमान मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करिए। ऐसा क्रम हर मंगलवार को करिए और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना मत भूलिए। अगर परिवार में कलेश रहता है, कलह रहता है, तो पूरे परिवार के साथ हर मंगलवार आपको हनुमान मंदिर सायंकाल जाना चाहिए, सुबह नहीं सायंकाल, सज धज के जाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए और वहाँ जा करके दर्शन पूजन करना चाहिए और घर आकर के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, उसमें 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा। ये भी आप उपाय करके देख लीजिए। अगर हनुमान मंदिर जाना संभव नहीं है तो अपने घर में ही सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और उसमें उसकी लेटी हुई बत्ती डालिएगा, खड़ी बत्ती मत डालिएगा, लेटी हुई बत्ती डालिएगा, उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। जब दीपक बुझ जाए तो लौंग सहित उसका जो अवशेष है बत्ती का, उसे किसी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति में आपको मदद मिलेगी। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, मंगलवार को कर्ज मत लीजिएगा किसी से, चाहे जितना जरूरी हो, मंगलवार को लिया हुआ कर्ज कभी वापस नहीं हो पाता है। दूसरी बात, मंगलवार को यदि आप कर्ज उतारना शुरू कर दें तो चाहे हिमालय के पहाड़ जितना बड़ा कर्ज हो तब भी कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। सिर्फ मंगलवार को कर्ज उतारना चाहिए और मंगलवार को किसी भी कीमत पर कर्ज नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।